नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुधीर इलेक्ट्रिक्स में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम आपको जो है फिटिंग के बारे में बताने वाले हैं। फिटिंग का जो सामान होता है, क्या क्या यूज होता है, हमारी आने वाली दो तीन वीडियो फिटिंग के ऊपर ही होंगी। तो आज सबसे पहले जो वीडियो है फिटिंग के ऊपर, वो सामान के ऊपर है कि क्या क्या सामान यूज होता है फिटिंग में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिजली फिटिंग क्या क्या यूज होता है। ये सबसे पहले कंड्यूट पाइप है, 25 mm का साइज होता है इसका। और इस पाइप को जो है, ये बैंड है, बैंड जो है जो भी मोड होता है उसके लिए। ये फैन बॉक्स है, इसमें जो है पंखे को टांगा जाता है। ये एक और ये कंसील्ड या फैन बॉक्स है, ये कंसील्ड बॉक्स है जिसमें LED को लगाया जाता है। ये कई टाइप के होते हैं, ये भी कंसील्ड बॉक्स है। इसके बाद जो है जंक्शन बॉक्स आएगा, ये जंक्शन बॉक्स है, इसमें जो है बल्ब होल्डर आदि चीज़ों को लगाया जाता है। ये दो छेद दिए हुए हैं जिनमें पेस्ट को कसा जाता है। ये स्टील वायर है, पाइप हमारा कौन से किधर निकल रहा है उसको देखने के लिए इस तार से ही उसको खींचा जाता है। ये लोहे के GI मेटल बॉक्स हैं, ये बहुत सारे साइजों में अवेलेबल होते हैं और अपनी फिटिंग के अनुसार लगवाते हैं। ये वायर है, फ्लेक्सिबल वायर जो वायरिंग में यूज होता है कलरों के हिसाब से। और ये इसका रेटिंग का चार्ट है कि कितने mm का वायर कितनी रेटिंग का होता है, कितना करंट कैरिंग होती है। ये मॉड्यूलर स्विच है इसके, ये भी मॉड्यूलर स्विच है। बहुत तरह के होते हैं, ये जैसी कंपनी होती है उसके अलग अलग टाइप के अलग अलग मॉड्यूलर स्विच होते हैं। ये एक और मॉड्यूलर स्विच है जिसमें MCB भी लगी हुई है। ये MCB है 1 पोल, 2 पोल और 3 पोल। ये 4 पोल की है जिसमें न्यूट्रल भी है। 3 तो फेज हो गए। और ये होल्डर है, ये सिंपल होल्डर है। अब ये मॉड्यूलर होल्डर आने लग गए हैं आजकल। बोर्डों को कसने के लिए जो है ये पेच है, जैसे ज़रूरत वैसे पेच। और भी कई तरीके के पेच होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ही हम पेचों को लगाते हैं। और इसमें बहुत सारे टाइप के पेच होते हैं। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। और कोई भी जानकारी